हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल, आज रोवा की उंगली उठ गई। आज आप सोच रहे होंगे हम इतने दिन बाद आपसे मिलते हैं। बिल्कुल, काफी दिन हो गए मिले हुए आप लोगों से। हाँ, कम से कम 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से ज्यादा ही हो गए बल्कि आप लोगों से मिले हुए। तो मैंने आज सोचा योगेश, क्यों ना आज अपने व्यूअर, सब्सक्राइबर, बच्चों को, सबको इस्कॉन टेंपल लिया जाए, क्या बोलते हो? बिल्कुल, क्योंकि योगेश का भी बहुत दिन से मन कर रहा था इस्कॉन जाने का। तो हमने सारे ऑफिस के काम निपटाए, लंच किया, सब कुछ करके, तो हमने सोचा चलिए आज सबको हम लोग इस्कॉन टेंपल ले जाए। नोएडा टू ईस्ट ऑफ कैलाश वाया D&D। तो चले, चलो चलिए। हम लोग D&D आ गए हैं और D&D से क्रॉस करके हम लोग वाया लाजपत नगर फ्लाईओवर, फिर हम ईस्ट ऑफ कैलाश पहुँचेंगे। और एक बहुत दिनों के बाद मन में आई कि चलो आज ना इस्कॉन मंदिर के दर्शन करके आते हैं। तो इस्कॉन मंदिर के दर्शन करने हम लोग चल पड़े हैं और आप लोगों को भी वहाँ के दर्शन कराएंगे। यस, वो भी बहुत ज़रूरी है, आप भी इस्कॉन के दर्शन कीजिए। और इस्कॉन की खिचड़ी, यस, सबसे लाजवाब प्रसाद, सबसे लाजवाब प्रसाद, और लाइन लग के मिलता है। हाँ, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लाइन में ही मिलेगा प्रसाद। ठाकुर जी का प्रसाद हमेशा लाइन में ही लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद भी आपको तभी मिलता है। आज वो योगेश, जब हम अभी जा रहे हैं तो वो बच्चे बोलते थे ना, वो कौन सा गोल्ड बोलते हैं, इस तरफ ये जो सन आता है फेस पे, क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन ग्लो। हाँ, गोल्डन ग्लो में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग गोल्डन ग्लो में जा रहे हैं। यस, फेस पे बिल्कुल सन ऐसे लग रहा है ना कि अलग टाइप हो रही है। आईज भी आप देख रहे होंगे कि आईज भी खुल पा रही मेरी, इतना सन बिल्कुल फेस पे। हाँ, मगर दोस्तों पता लगा है कि रामगढ़ में मौसम बहुत ठंडा हो गया। हमारे दोस्त मिस्टर दिनेश प्रताप सिंह का फोन आया था वहाँ से, वो लोग भी हमें बुला रहे हैं कि भाटे साहब आ जाओ यार, बहुत दिन हो गए आप लोग आए नहीं हो, आपका घर भी बंद पड़ा है, गंदा हो गया होगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा हाँ, वहाँ आके केयर टेकर रखना ही पड़ेगा हमें। नहीं नहीं, आप चलते हैं, बस एक दो दिन की बात है, फिर निकल पड़ेंगे। ये सारे व्यूअर्स कहेंगे सब एक दो दिन कर रहे हो और जाते वाते हो नहीं। सरप्राइज सरप्राइज तो देंगे, मगर सरप्राइज एकदम से ही आएगा, सडन, एब्सोल्युटली। दोस्तों ये नया D&D से ना आश्रम वाला एक नया ब्रिज स्टार्ट हुआ है, जहाँ सबसे ज्यादा जाम लगता था और ये अब फ्री फ्लो ट्रैफिक में आ गया है। ये नया ब्रिज बन गया D&D से आश्रम का, इतना अच्छा ब्रिज बना है और ये फ्री फ्लो ट्रैफिक हो गया है। यहाँ सबसे ज्यादा जाम लगता था, मतलब आपका यहाँ पर जाम कम से कम 45 मिनट का जाम होता है। और यहाँ रेड लाइट भी नहीं है। यार रेड लाइट भी नहीं, तो ब्रिज है तो रेड लाइट कहाँ से आएगी? अच्छा अच्छा, रेड लाइट तो होएगी नहीं ब्रिज। तुम्हारा भी ख्याल जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है। तो मैं ब्रिज दिखा दिया, कितना अच्छा ब्रिज बन गया ये विदाउट रेड लाइट वाला। यस, विदाउट रेड लाइट, विदाउट रेड लाइट का ब्रिज बताया है। कोई बात नहीं, होता है, कभी कभार बोलना पड़ता है। छोटी छोटी वो बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी गलियों में कभी ना कभी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। तो चलते हैं फिर इस्कॉन और फिर दर्शन कराते हैं आप लोगों को, पूरे दर्शन कराएंगे आज। एक चीज के स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट खिचड़ी तक, एंड तक। मंदिर काफी सजा हुआ है दोस्तों, हम लोग इस्कॉन टेम्पल पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं मंदिर को इन्होंने बहुत अच्छे से सजाया है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। यस, जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो चुकी है। यस, और यहाँ से हम एंट्री से, ये पूरा मंदिर का स्टार्टिंग है, हरे कृष्णा। और यहाँ वही जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, फ्लावर्स, सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। बिल्कुल, और योगेश आपको भी फ्लावर लेने हैं। लो, कितनी खुशबू, कितनी महक आ रही है, बहुत प्यारा।
और ये हमारे सारे फ्लावर्स हमने ले लिए हैं जो हमने चढ़ाने हैं मंदिर में, क्या योगेश? और लोटस भी लिया है, लोटस भी ले लिया है और इतना अच्छा लग रहा है। नोबा यहाँ एंट्री पे सिक्योरिटी वालों में चेक कर लिया हमने, हमने मंदिर की एंट्री कर ली है। और ये यहाँ का गोविंदास करके रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन गोविंदास, ये बेकरी है, स्वीट शॉप जहाँ बिस्किट स्वीट सब मिलते हैं। और योगेश आगे आगे चल दिए, फटाफट से दर्शन मिले इन्हें। और ये पूरा लॉबी है जो सज चुकी है जन्माष्टमी की तैयारी के लिए। ये यहाँ प्रसाद मिलता है, प्रसाद तो मिलता है अगर कोई लेना चाहे। हाँ, पर जन्माष्टमी की इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी है, सारा सजना शुरू हो चुका है। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती है कि हम जन्माष्टमी से पहले इस्कॉन आ गए। क्या जन्माष्टमी वाले दिन तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकता था। शू घर है यहाँ पर, योगेश शू देने के लिए वेट कर रहे हैं कि हमें कूपन मिले और योगेश वापस आए। और ये धोने हाथ चले गए हैं, हाथ धोकर फिर हम निकलेंगे मंदिर के दर्शन को। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सजाया है, हम भी सुंदर लग रहे हैं यहाँ आते। बहुत भगवान जी ने सुंदर बनाया है मंदिर में आते। बिल्कुल देखो कैसे लगने लग गए, फेस पे ग्लो अलग से। मंदिर का पूरा टेंट से सजाया हुआ है, बहुत अच्छे से सजा रखा है, बहुत इतना प्यारा। और ये यहाँ पर क्या चल रहा है योगेश? ये गरुड़ देव है, ये गरुड़ देव है, यहाँ पर ये लोग हरे कृष्णा का जाप करते हैं और सब के सब यहाँ पर लगे हुए हैं जाप पे और पूरी परिक्रमा करते हैं। सब अपना अपना हरे कृष्णा बोलते हुए जाप करते हुए पूरी परिक्रमा करते हैं। तो देखिए और फिर लास्ट में गरुड़ देव के दर्शन करते हुए और माथा टेक के अपने अपने घर को जाते हैं। नहीं, ये है? ये मेन द्वार, द्वार के दो दरबार। और ये हमारा दरबार और अब हम चल पड़े। तुलसी आरती चल रही है, हमें भी जल्दी जल्दी है कि तुलसी आरती नहीं। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। तो सभी लोग बैठ जाएंगे, 6:30 बजे संध्या आरती होगी। सब ने प्रणाम किया, तुलसी आरती खत्म हो गई है। दिल को सुकून मिल रहा है इस तरह। ये जो सुकून है ये पता नहीं कितने सुकूनों से मिल रहा है। चलिए अब हमारी मंदिर की परिक्रमा स्टार्ट हो गई है और हम पहले मंदिर की परिक्रमा करके फिर उसके बाद तब तक दर्शन भी खुल जाएंगे, फिर हम दर्शन करेंगे। सुदामा जी, बाल कृष्ण अपने सखों के साथ खेलते हुए, राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ म्यूजिकल नाइट करते हुए, राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे को खाना खिलाते हुए, यहाँ आके कभी किसी का मन भरा है? हरे बहुत अच्छा लग रहा है पीछे। जब बाल 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 अवतार में कृष्ण जी ने पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और पीछे से जो आरती चलती है ये पहले हरे रामा हरे कृष्ण, बिल्कुल मन मोह लेती है। बिल्कुल सब अपने अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा से यहाँ के सुमन अर्पित करते हैं, अपने आप को काफ़ी सुकून महसूस करते हैं। हम लोग परिक्रमा करके वापस आ गए, अब मेन हॉल में हैं हम लोग। अभी अब थोड़ी देर में 6:30 बजे आरती स्टार्ट होगी, उसके बाद हम आपको आरती के दर्शन भी कराएं। और भगवान हमें दर्शन दे उसके इंतजार में। और यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है योगी, वेरी नाइस। दर्शनों का इंतजार करते हुए दोस्तों
प्रस्थान करते हैं और घर को चलते हैं। अभी प्रसाद अगर खिचड़ी प्रसाद मिला तो वो भी दिखा दिखाएगा। एक दूसरे को नाम से कभी नहीं बुलाता है, सबको प्रभु कहते हैं और साथ में हरे कृष्णा कहते हैं। कोई ये नहीं कहता यहाँ आइए प्रभु हरे कृष्णा। हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है योगेश के मुंह से बोलते हैं प्रभु। ये यहाँ का नियम है। किस रूप में प्रभु मिल जाए नहीं पता। yes. तो दोस्तों, हमारा सफर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम आपको अभी दर्शन कराते हुए लेके चल रहे हैं और आगे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम यहाँ से जाने के बाद जूते लेंगे दोस्तों। ये अब हम एग्जिट पॉइंट पे आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और आगे जाके हमें नीचे उतरना है। नीचे उतर के जहाँ हमने अपने जूते रखे हैं वहाँ से जूते लेने हैं, और फिर उसके बाद खिचड़ी प्रसाद लेने के लिए नीचे जाना है।
यहाँ जन्माष्टमी की पूरी डेकोरेशन चल रही है, कितनी प्यारी लग रही है। इतनी अच्छी डेकोरेशन की है इन्होंने, अभी तो मंदिर में दर्शन करते हुए रश बहुत कम है, क्योंकि जन्माष्टमी का पूरा अपना दिन नज़दीक आ गए हैं ये कह सकते हैं। पर आत्मा आज तृप्त हो गई है। यस, ऐसे लगा है पूरा शरीर दोबारा से नया बन चुका है अंदर से। आज कुछ दो महीने के बाद हम लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे हमारे शरीर में जान आ गई है। दोस्तों पिछले दो तीन महीने से हम लोग बिल्कुल कहीं नहीं, कोई सिर्फ सिवाय अपने घर के मंदिर के अलावा किसी मंदिर नहीं जा पा रहे थे, कोई माथा नहीं टेक पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। आज ऐसे ही मन में आई कि आज ना इस्कॉन मंदिर चलते हैं, तो उन्होंने कहा चलो इस्कॉन मंदिर चलते हैं। ये कहने लगी नहीं सेक्टर 33 चलें। मैंने कहा यार वहाँ जाके ना मुझे ऐसी वाइब्स नहीं आती, ये वाली वाइब नहीं आती। तो हम लोग ईस्ट ऑफ कैलाश आ गए और यहाँ आने के बाद हम लोगों की आज ना शरीर में अलग से ही एनर्जी से लेके नीचे तक आत्मा, और आपको हमारे चेहरे भी दिख रहे होंगे थकावट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और चेहरे पे अलग ही ग्लो आ गया। नहीं तो इस टाइम तक हम लोग बिल्कुल थक के चूर हो जाते थे। आज बहुत सुकून मिला है, ऐसे लगा है आत्मा कृष्ण जन्माष्टमी से पहले हमारे अंदर एनर्जी आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे आपको पता है, वो नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। यहाँ का ऑडिटोरियम है जहाँ पर पूरी लीला दिखाई जाती है, ऑडिटोरियम लिखा हुआ है, चूँकि वो ऊपर टेंट लगा है तो पूरा दिख नहीं रहा। श्रद्धा देखिए प्रसाद लेके ज़मीन पर बैठ के आराम से खा रहे हैं। और रोमा लाइन में लग चुकी है प्रसाद के, मैं भी आके लाइन में लग जाता हूँ, मगर रोमा बेईमानी कराएगी मेरे से क्योंकि वो लाइन में लग चुकी है, तो मुझे कहेगी बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। मैं वही कह रहा था, बेईमानी कराएगी रोमा मेरे से। हम दोनों प्रसाद की लाइन में खड़े हैं, जैसे ही हमें प्रसाद मिलेगा हम प्रसाद लेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, हरे कृष्णा कहेंगे, और फिर हरे कृष्णा बोल के यहाँ से मंदिर से प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हमें खिचड़ी प्रसाद मिल चुका है, मिल चुका है। अब हम मंदिर के आंगन से निकल रहे हैं और एग्जिट कर चुके हैं खिचड़ी लेते हुए। योगेश आगे निकल चुके हैं और मैं उनके पीछे पीछे, और योगेश अपना खिचड़ी खा रहे हैं। ये देखिए, तो इसी के साथ योगेश इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल योगेश भाटिया।